बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरी का किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बर्फ़ी। इसको बनाने के लिए मुझे जिन अशिया की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही कम वक्त में और झटपट तैयार हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप बनस्पति घी है, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको आप आटे की तरह गूंद लीजिए, एक अच्छी सी डो बना लीजिए। परफेक्ट डो कैसे बनेगी हमें कैसे पता चलेगा? जितना भी बिखरा हुआ मिल्क पाउडर है ये सिमट कर एक पेड़े की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है और मेरे हाथों में बिल्कुल भी ये मिल्क पाउडर चिपक नहीं रहा, ये देखिए। चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, 1/2 कप पानी है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसका फ्लेम ऑफ है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसका फ्लेम ऑन नहीं किया था क्योंकि चीनी जो है वो जल्दी से घुल जाएगी। इस तरह का चम्मच लेना है मुझे, मैं आपको ख़ास तौर पर दिखा रही हूँ ताकि बर्फ़ी को चलाने में मुझे आसानी हो। चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक तार हमें बनाना है इसमें, वरना आपकी जो बर्फ़ी है बहुत कड़क बनेगी। देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, इसका एक तार बनना शुरू हो गया है। फ्लेम को आप लो मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक तार बनना चाहिए चाशनी का, इस तरह आपकी परफेक्ट चाशनी बनेगी। ये देखिए देखिए हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं और तमाम मिल्क पाउडर का बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे क्योंकि ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी चम्मच की मदद से हम इसको मिलाएंगे। देखिए अभी बैटर कितना थिक हो रहा है, चम्मच चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे बैटर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, हमें चम्मच चलाने में आसानी होगी। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए हमें इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि तमाम चाशनी मिल्क पाउडर के बैटर में मिक्स हो जाए। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी, चम्मच को मुसलसल चलाते रहिएगा। ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पता चलेगा बर्फ़ी तैयार हो गई। देखिए थोड़ा सा बैटर मैं लूँगी, इसको इस तरह मैं गोली सी बनाऊँगी। अगर ये हमारी परफेक्ट गोली बन रही है, चिपक नहीं रही, तो बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से जमाना है। देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, आप ऑयल भी लेकर इसको ग्रीस कर सकते हैं। एक बटर पेपर ले लिया है, उसको भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ये कटे हुए पिस्ते डाल दूंगी। अब इसमें तमाम बैटर मिल्क पाउडर का डाल दूंगी और इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। अब मैं इसको सेट होने के लिए रख दूंगी रूम टेम्परेचर पर, इसको फ्रिज में जमने के लिए मत रखिएगा। 1/2 घंटा हो चुका है, मैं आपको इसको कट कर दिखाती हूँ। देखिए किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, मैंने चकोर पीसेस में कट किया है। ये देखिए कितनी आसानी से कट हो रही है और कितनी अच्छी परफेक्ट बनी है। ये देखिए मैं आपको उसको सर्व कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी और परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी टेस्टी बनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।